नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का स्वागत है देसी ब्लॉग में। मैं उस समय के हैं मेरे साथ रवि भाई। तो आज हम आए हैं राजा के एक महल है, बहुत ही पुराना, जो अब स्कूल बन चुका है, उस पर आए हैं। तो आपको दृश्य दिखाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर दृश्य है, गुफाएँ हैं। यह है राजा की कचहरी है, जैसे भी है, और दृश्य दिखाएंगे। अब ये स्कूल बन चुका है, इसके बारे में सबको डिटेल से बताएंगे। अब आगे चलते हैं, आपको वीडियो में दिखाएंगे और क्लासरूम्स भी हैं यहाँ पे। हाँ तो गाइस, जैसा कि आपको दिख रहा होगा रवि भाई, यहाँ पर ये कचहरी है पुराने ज़माने की, कचहरी दिखाते हैं आपको। इस पर खड़े हैं, तो आइए अंदर से भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए, इसमें थोड़ा अंधेरा है और यहाँ पर चमगादड़ भी हैं और अंधेरा ज़्यादा है यहाँ पर। और तो ये पुराना गेट है ये, और यहाँ पर ऊपर भी यहाँ राजा महाराजा बैठा करते थे। इधर भी राजा महाराजा बैठे चुके हैं। ये कुछ कमरे हैं छोटे से, और ये है चलने के लिए ये गेट है। इधर उधर से दोनों लोग चढ़ते थे, पहले यहीं जुड़ा करती थी, और कुआ भी है राजा। गाइस, ये कुआ है यहाँ पर, इसे बंद कर रखा है अभी। ये रानी का था कुआ, रानी जी का कुआ है, और ये एक और कमरा है। तो आपको गुफा भी दिखाएंगे, तो चलो गाइस, आपको पीछे हमारे कमरा दिख रहा होगा, ये अभी बंद है। इस पर अभी ये देखो ताला लगा रखा है, क्योंकि ये बजरंगबली का मंदिर है, तो अब पता नहीं क्यों बंद कर रखा है। तो आइए और भी चीज़ें दिखाते हैं आपको। ये देखिए गाइस, ये छत पर चढ़ने के लिए वो है, मगर ये अभी बंद है। आपको सीढ़ियाँ दिखाने की कोशिश करूँगा मैं, ज़रा आपको शायद से दिख रही हो, चलो दूसरे एंगल से दिखाता हूँ मैं। गाइस, ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर चढ़ने के लिए, और यहाँ पर आपको ये दो गेट दिख रहे होंगे सामने शायद से। हाँ, ये गेट जो हैं ये गुफाओं के लिए हैं, और यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हैं, क्योंकि ये स्कूल है इसलिए पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये नल भी लगा हुआ है पानी पीने के लिए, बहुत ठंडा पानी निकलता है इसमें से। हाँ तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं, सीढ़ियाँ हैं, ये गुफा है, और यहाँ पर बदबू ज़्यादा है गाइस। तो आगे का रास्ता बंद कर दिया है, आपको दिख रहा होगा, कुछ शायद कम ही दिख रहा होगा, तो आगे का रास्ता बंद कर दिया है। ये साइड में मोखला जा, देखा जा, ये गुफा ही ये है। चामचीर वगैरह निकलती है, गुफा है इसमें, मतलब चमगादड़ वगैरह हैं। तो ये सब बंद कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर स्कूल है, बच्चों को कुछ हो ना जाए इसलिए। तो ये कमरे हैं, 11 नंबर कमरा है, कमरा है गाइस, ये कमरा है, इसमें मतलब बच्चे पढ़ते थे पहले। ये बेंच रखी है, और यहाँ पर कमरा बना हुआ है। ये यूपी बोर्ड भी पड़ता है इसमें, यहाँ पर यूपी बोर्ड का जो सेंटर पढ़ते हैं स्कूलों के। गाइस, ये अंदर गुफा है, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। देखिए, इसमें अंदर जा सकते हैं, पर यहाँ पर खतरा है, सांप कीड़ा कोई भी ना हो, इसलिए नहीं जाता है कोई भी। और ये यहाँ से बहुत ऊंची जगह पर है ये घड़ी, यहाँ से बहुत ही सुंदर दृश्य सामने की ओर आपको दिख रहा होगा। और ये बच्चों के लिए शौचालय बना हुआ है, ये देखिए। और आपको एक और चीज़ दिखाते हैं गाइस हम, ये घर के तारों, ये देखिए टंकियाँ हैं पानी के लिए, बहुत बड़ी बड़ी, और यहाँ पर ये सब घर हैं, आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर, बेहद ही सुंदर नज़ारा है गाइस। तो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं गाइस, और आपको और भी क्लासरूम्स दिखाते हैं, इसका बाहर का जो गेट है, और भी कुछ कमरे हैं, उनको सबको दिखाते हैं। तो आइए चलें गाइस, ये कमरा नंबर 8 है, तो जैसा कि रवि भाई बता रहे हैं, और यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, सामने आपको वाइट बोर्ड दिख रहा होगा, इसमें हम भी पढ़े हैं, तिरंगा भी लगा हुआ है उसमें। तो ये अंदर एंट्रेंस के लिए कमरा है, और ये एक और कमरा है गाइस, ये 7 नंबर है, ये 7 नंबर कमरा है। यहाँ पर देखो सामने ब्लैक बोर्ड है, और ये कुर्सी रखी हुई टीचर्स के लिए, और ये भी एक कमरा है, ये भी एक कमरा है गाइस। तो आप मतलब यहाँ पर बहुत सारे कमरे, कमरों की कमी नहीं है, ये बेंचेस रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं।
और ये कमरे बहुत सारे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही पुराना गाय से कमरा खुला मिला है। गाय से कमरा हमको खुला मिल चुका है, तो आइए देखिए पुरानी दीवार, जैसा कि आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी जो ईंटें हुआ करती थी वो हैं पुराने ज़माने की। तो यहाँ पर झाड़ू रखी है साफ़ सफाई करने के लिए, सफाई कर्मचारी भी आते हैं, तो सफाई करने वाले भी आते हैं। एक ये कमरा है गाइस, और एक ये सी मतलब कमरा है बच्चों के लिए। तो आइए और दिखाते हैं आपको, ये ऑफिस है, एक नंबर ऑफिस है ये, ये अभी बंद है। तो आपको और भी दिखाते हैं, आइए गाइस। ये टॉयलेट है, ये वो अभी नया ही बना है ये, तो देख सकते हैं आप। और तो ये देखो आपको सामने पुराने ज़माने की जो दीवारें हुआ करती थी पहले ज़माने की, आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा इनको। यहाँ पर एक पेड़ भी खड़े हुए हैं, यहाँ पर भी गुफाएं हो, यहाँ पर भी गुफाएं हैं, और अभी सारी गुफाएं बंद हैं गाइस, क्योंकि खतरा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, इसलिए। तो देखिए ये गुफाएं हैं, मशीन के निशान दिख रहे होंगे आपको, ये बंद कर चुके हैं इनको। तो और आगे चलते हैं अब गाइस, एक कमरा है एक और अठार, ये पेड़ पौधे हैं बहुत ही सुंदर सुंदर, छाया बहुत अच्छी रहती है यहाँ पर। ये कमरे हैं कुछ, और ये बंदर पकड़ने के लिए ऊपर जाल भी रखा और है, और ये बंदर पकड़ने के लिए ऊपर आपको दिख रहा होगा जाल दिख रहा होगा गाइस। यहाँ पर बंदर बहुत सारे हैं, आपको शायद से मैं दिखा सक, फिलहाल तो कोई नहीं है यहाँ पर बंदर, तो हम अभी कोई बंदर दिख नहीं पा रहा है। तो ये कमरा है और ये पुराने कमरे हैं गाइस, ये देखिए ये वो जंगला टाइप है, देखिए कमरे हैं गाइस। ये गुफा है, ये देखिए आपको गुफा का गेट, एक छोटे छोटा सा वो दिख रहा होगा, देखो गाइस यहाँ से घुस सकते हैं। ये एक और ये कमरा के है, लिए जा रही है यहाँ पर, मतलब बहुत जगहों के लिए जा रही हैं, दिल्ली के लिए, बरसाना, मथुरा, वृंदावन, सब जगह के लिए जा रही हैं, बहुत सी वो हैं। बना दो पूरे की ऊपर, ये देखिए आपको ये दिख रहा होगा, देखो वो ऊपर बंदर बैठा है आपको दिख रहा हो गाइस, ये बंदर वगैरह बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर। ये कमरा है और देखिए आपको ऊपर भी, ये पहले एक और कमरा था मगर अब ये फोड़ दिया है, ये आपको ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे कुछ गेट बंद हैं, कुछ गेट बंद हैं, हम इसलिए आपको दिखा नहीं सकते, वरना हम छत पर जाकर बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाते हैं आपको। राजा महाराजा की तस्वीर दिखाते हैं, राजा महाराजाओं की तस्वीर अभी दिखा नहीं सकते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, ये कुआ हुआ करता था, ये कुआ है, कुआ है पहले का, इसमें पानी भर रहा हुआ है, पानी मगर गंदा है इसमें। तो आपको अभी गेट और दिखाते हैं, स्कूल का गेट कैसा गेट है, तो आपको गेट दिखाएंगे आगे चलकर हम। पहले ये राजा महाराजाओं की वो महल हुआ करता था, अब ये स्कूल बन चुका है, ये माँ कलावती इंटर कॉलेज के नाम से है बाटी में, इसमें सेंटर भी आ गया करते हैं यूपी बोर्ड के। और यहाँ पर पीछे एक और कमरा है, ये वैसे काम मतलब कार्य के लिए कमरा है, जैसे लाइट वगैरह किसी के लिए। तो ये आपको एक गेट दिखाते हैं, बहुत ही बड़ा गेट है इसका, तो जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं ये गेट है गाइस, इसका बहुत ही बड़ा गेट है, और यहाँ पर पीछे भी ये बनी हुई है गाइस। ये पुराने ज़माने की वो जो सैयद बाबा कहते हैं उनको, ये वो हैं, ऊपर आपको ये सफ़ेद कलर में दिख रहे होंगे, और यहाँ पर तिरंगा लगा हुआ है, हमारे देश की शान तिरंगा। हाँ तो गाइस आपके घर पर अगर तिरंगा नहीं लग रहा है तो उसको लगा लें। और ये देखिए आपको दीवारें भी दिख रही हैं, बाहर का नज़ारा है, बहुत ही दीवारें मतलब बहुत ही मजबूत दीवारें हैं, ये बहुत ही ऊंचाई पर बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये सब, यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखते हैं आपको, पूरा गांव दिख जाएगा इसकी छत पे से, मगर वो छत अभी बंद कर रखा है गेट।
तो इसलिए हम जा नहीं पाए हैं गाइस। गाइस ये एक गेट है, हम आपको दोबारा से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा गेट है, पहले ये राजा महाराजाओं का पहले बहुत बड़ा गेट था, अब ये कॉलेज के नाम पर, अब कॉलेज का नाम है, सुमित भाई दिखाएं कॉलेज का नाम। देखिए माँ कलावती देवी इंटर कॉलेज बाठी मथुरा के नाम से है ये, और यहाँ पर एक कमरा भी है ऊपर, आपको वो दिख रहा होगा उसका जंगला। पत्थर बहुत लगे हुए हैं इसमें, तो बड़े बूढ़े हमारे जो हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर हाथियों से पत्थर चढ़वाए थे तब बना था ये गाइस। और ये पत्थरों से बना हुआ था पहले ज़माने का, राजा महाराजाओं का, हमारे आगे तो नहीं था। बड़े बूढ़े बताते हैं कि यहाँ बहुत लागत लगी थी, इसमें एक राजा हुआ करता था, उसने ये बनवाया है। गाइस अब तो ये कॉलेज है, ये अब कॉलेज है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। अगर आपको जो कुछ भी कहना है तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, तो हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे आपके लिए भाई। आपको आपके छोटे भाई हैं आप, हम मेहनत कर रहे हैं, हमको कमेंट करें और वो करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को फैलाएँ, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, तो आपको और किसी दिन हम बहुत ही अच्छी किसी अच्छी जगह पर ले जाएंगे हम, तो धन्यवाद गाइस। अगले ब्लॉग में मिलते हैं आपसे, तो तब तक के लिए बाय बाय।